इसीलिए कहती हूँ शादी कर लो शादी कर लो। अरे बीवी होगी ना घर में तो तुम्हारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखेगी, मगर तुम तो सुनते ही नहीं मेरी बात। अरे दादी किसकी शादी की बात हो रही है, जिसकी भी हो रही है करवा दे, मैं ना ढोलक बजाऊंगी। और दादी हम पता है क्या करेंगे, दूल्हे को ना घोड़े पे बिठाकर दुल्हन के घर लेके जाएंगे। मेरा इस वक्त शादी का कोई इरादा नहीं है, ये अपने घोड़े और गधे जो है ना अपने पास ही बांध के रखिए। अरे दादी को कभी खुश मत करना तुम। मुझे तो लगता है दादी शर्मा गए हैं, पता है वो लड़के और लड़कियां अपनी शादी की बातें खुद नहीं करते। अरे रहने दो, अब ऐसा भी शर्मीला नहीं है वो। दादी मैं तो कहती हूँ आप उनको छोड़ें, खुद ना कोई अच्छी सी लड़की उनके लिए तलाश करें। जो भी अगर आप कहती हैं तो हमजा नोमा के स्कूल में बहुत सारी टीचर्स हैं, वो तो खैर थोड़ी बदमिजाज और मगरूर किस्म की हैं, मगर फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ उनके। अरे दादी देखा आपने किस तरह घूर के गए मुझे, ऐसी क्या बात कर दी मैंने, और वैसे भी मैं तो हमजा नोमा की रिपोर्ट शेयर करने आई थी। अच्छा चलो बस ठीक है ना, तफसील बताओ मुझे ना क्या क्या है रिपोर्ट में।